हाँ तो मिस्टर चौधरी साहब, चौधरी साहब आपने निगरान की पोजीशन के लिए अप्लाई किया? जी सर। तो आपने जॉब डिस्क्रिप्शन तो पढ़ ली होगी कि आपको कुछ नहीं करना। एग्जैक्टली। तो चौधरी साहब मुझे ये बताइए कि वाई शुड बी हायर यू? सर मैं खाने का बड़ा शौकीन हूँ। क्या खाने के शौकीन? सर मैं कुछ भी खा लेता हूँ, पेटी कैश, कमीशन, यतीम का माल, जकात, हज, उमरा, जो भी मिल जाए अल्लाह के फजलों करम से। गुड गुड। तो चौधरी साहब मुझे ये बताइए कि व्हाट आर सम ऑफ योर स्ट्रेंथ्स? सर मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि मैं किसी चोरी को छोटा नहीं समझता। गटर का ढक्कन निकालना हो, गाड़ी का शीशा उठाना हो, या फिर बैंकों का करोड़ों रुपए का लोन माफ कराना हो, मैं कभी ना शुक्र ही नहीं करता। जहां दाव लगता है मैं लगा लेता हूँ सर। एंड योर वीकनेसेस? वीकनेस सर हफ्ते में एक आध बार हो जाती है। मैं आपकी पर्सनैलिटी की वीकनेसेस की बात कर रहा हूँ। ओ सर मुझे एक साल दें, मैं सोच के बताता हूँ। सॉरी सर, इट्स ओके। अच्छा चौधरी साहब, मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ। फर्ज कीजिए कि आप जॉब पर हैं और आप पर संगीन तरीन करप्शन का इल्ज़ाम लगता है, आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? सर ये कौन सा मसला है, मैं साफ मुकर जाऊँगा। नहीं मुकर आप नहीं सकते क्योंकि एविडेंस काफ़ी स्ट्रांग है। कोई बात नहीं, मैं जज कर लूँगा। जज ईमानदार है। सर ये भी कोई बड़ी बात नहीं, मैं बीमार पड़ जाऊँगा। गुड गुड। अच्छा तो चौधरी साहब, आई विल बी रियली ऑनेस्ट विद यू, आई लाइक यू, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपकी CV में मुझे कुछ खास नज़र नहीं आता। पाकिस्तान में आपके सिर्फ 15 घर हैं, दुबई में आपके सिर्फ 4 फ्लैट्स हैं, लंदन में आपका कुछ नहीं है, स्विस बैंक्स में आपका कुछ नहीं है, और टू बी ऑनेस्ट आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस भी नहीं। सर ये तो वही बात है, नीड जॉब फॉर एक्सपीरियंस, नीड एक्सपीरियंस फॉर जॉब। आप मुझे एक मौका दे दें, मैं आपको मायूस नहीं करूँगा। नहीं वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन दरअसल बात यह है कि इस वक्त हमारे पास आपसे बेहतर कैंडिडेट्स मौजूद हैं, तो हम उनका इंतखाब क्यों ना करें। तो आई एम रियली सॉरी, बट ये कि अगर कोई पॉसिबिलिटी निकलती है तो आई डेफिनेटली गिव यू अ कॉल। ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, मैं चलता हूँ। रुकिए, आपके पास इसका भी तजर्बा है? सर ये तो मैं 30-35 साल से कर रहा हूँ। कमाल है, लेकिन ये तजर्बा आपकी CV में तो कहीं नजर नहीं आ रहा। सर वो सयाने कहते हैं ना कि कुछ चीजें बताई नहीं जाती, महसूस की जाती है। अल्लाह हाफिज। रुकिए, वैसे शेरवानी का नाप देने के बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत शुक्रिया सर, सर बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ सर, बहुत शुक्रिया।